ब्रज भक्तों में एक गोपी माँ का जिक्र आता है। गोपी माँ का प्रारंभिक नाम तो खबर नहीं इतिहास में, लेकिन बाद में जो नाम पड़ा वो गोपी माँ पड़ा। वृंदावन आने के बाद लाहौर में जन्म हुआ, फिर विवाह होने के बाद अयोध्या में चली गई, अयोध्या में ही रही। बहुत छोटी आयु में विवाह हो जाया करते थे और परिवार से ही राम नाम रूपी महामंत्र की प्राप्ति हो रखी थी। हर वक्त राम जी का स्मरण करना, राम जी के गुणगान गाना, तुलसी की मानस का रसा स्वादन करना, रसानुभूति करना। फिर जब अयोध्या में गई, नित्य प्रति सरयू जी के तट पर बैठना, सरयू जी में स्नान करना, फिर कनक भवन के श्री कनक बिहारी का, बिहारिन जी का दर्शन करना, फिर नित्य प्रति चुपाइयों का गुणगान करना। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख। खूब राम जी की कथा सुननी महाराज, इतना आनंद मिलता गोपी माँ को राम जी की स्तुति करके, राम जी का भजन करके। फिर नित्य प्रति संतों महात्माओं का संग करना, क्योंकि जितना अधिक संतों महात्माओं के संग रहोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम सहज प्राप्ति हो जाएगी। और वाणी क्या कहती, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बिन प्रेम के प्रभु की प्राप्ति नहीं है। और प्रेम की, इस प्रेम की प्राप्ति करने का सहज साधन क्या है, किसी भक्त के करीब जाकर बैठिए, बस बैठना ही पर्याप्त है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बस बैठ जाइए जाकर, किसी लता पता का आश्रय लीजिए, किसी ब्रज रज का आश्रय लीजिए और फिर करिए क्या। बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मेरी लाडो तेरे। बस आश्रय लिया, किसी संत महात्मा के करीब बैठे और सहज हृदय में प्रेम का स्पंदन होने लगा। गोपी माँ के चित्त के अंदर रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा है, राम जी का मंत्र मिला है, नित्य प्रति हर वक्त राम 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 स्मरण करती है। लेकिन और अवस्था बहुत बड़ी हो गई, वृद्ध अवस्था के करीब करीब आयु पहुंच गई। और कहते फिर क्या हुआ, एक दिन कहीं थोड़ी कृष्ण की चर्चा सुनी, ध्यान दीजिए, कहीं कृष्ण की चर्चा सुनी, कृष्ण की माधुरी, बरहा वीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विब्रदहवासम कनक कपीशम वैजंती चमालम। क्या स्वरूप श्री कृष्ण का, पीताम्बरी धारण कर रखी महाराज, अंगराग लगा हुआ, चरणों में श्री नूपुर, उसकी जमजमाहट, चित्रकारी, सुंदर पुष्पों का ताज, मयूर पिछ लगाना, अधरण का स्मित स्मित हास्य, नैनन का काजर, अलौकिक चितवन, कनेर के पीले पुष्प लगाकर, फिर वेणु का वादन करते करते, गैया चारण करते करते, नंदनंदन का श्री वृंदावन धाम की कुंजों में विहार करना। महाराज सुना कहीं गोपी माँ ने, और गोपी माँ खुद नहीं जानती कि कब जीवन का कोई ऐसा पल आया कि राम जी की आराधना करते करते, रघुनाथ जी का भजन करते करते, कब श्री कृष्ण के रूप लवण्य ने गोपी माँ के चित्त को आकर्षित करके रख लिया। और जैसे ही कृष्ण के रूप ने आकर्षित किया, माँ माँ छटपटाने लगी, बस अब तो अयोध्या में मन नहीं लगता। अब तो मन करते कब कुछ ऐसा पल आए, अयोध्या से चलूं कहां वृंदावन की ओर, पहुंच जाऊं वृंदावन की गलियों में, जहां पर नित्य प्रति कोई सुन लिया था, इसी वृंदावन की गलियों में, इन्हीं कुंजों में श्री प्रिया प्रतिम नंगे पग विहार करते हैं, दर्शन हो जाता है उनका। तो एक रूप ने आकर्षित किया गोपी माँ के चित्त को, और फिर आकर्षित किस ओर किया, वृंदावन की ओर। और एक ऐसा प्रबल आकर्षण, एक ऐसा प्रबल आकर्षण गोपी माँ के चित्त को हुआ, माँ छटपटाने लगी। अब रात की नींद महाराज उड़ गई, अब अयोध्या की गलियों में मन नहीं लग रहा, अब सरयू के तट पर मन नहीं लगता, अब दर्शन करने तो जाती है मंदिर में,
रघुनाथ जी को देखती है, याद कृष्ण की आती है। कनक बिहारी बिहारन जी का दर्शन तो करती है, लेकिन उसमें भाव किसका होता है? श्री प्रिया प्रीतम का बिहार। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, छटपटाई, इतना छटपटाई गोपी माँ कि अब नहीं टिक पाई और फिर चली अयोध्या छोड़कर किशोर वृंदावन की ओर। एक ऐसी स्थिति आ गई महाराज। इसलिए संत कहते हैं इनके रूप को देख मत जाना, जिस इसने अपना जादू चला दिया ना तो आप दुनिया में टिक नहीं पाओगे, कहीं होवोगे नहीं टिक पाओगे। क्यों? ये वृंदावन की महिमा है। होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहां श्याम श्यामा के, ऐसे वृंदावन सा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। छोड़ चली गोपी माँ अयोध्या को, इतनी छटपटाहट हृदय के अंदर हो गई, छोड़ दिया वो गलियां वो कुंज जहां नित्य प्रति गोपी माँ का जीवन व्यतीत हुआ, जिस सरयू के तट पर, जिन मंदिरों में, जिस कनक बिहारी का दर्शन करते करते, जिसकी स्तुति करते थकती नहीं थी गोपी माँ, दिन रात रघुनाथ का चिंतन किया करती, कृष्ण के एक रूप लवरने ने ऐसा मन खींचा, अयोध्या छूट गई और गोपी माँ निकली एक एक अंतर में एक प्यास लेकर के वृंदावन की इन्हीं गलियों में श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है, मेरे बिहारी मुझे साक्षात्कार हो जाएगा, मेरा गोविंद मुझे मिल जाएगा। इस अभिलाषा से, इस अभिपसा से गोपी माँ आई कहाँ? भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, प्रीत प्रेम की ढोर, प्रीत प्रेम वृंदावन की ओ चलो मन। चलो मन चलो मन भोरे होते ही वृंदावन में, भोरे होते ही वृंदावन में, कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा वृंदावन की ओ चलो मन। चलो मन वृंदावन की ओ चलो मन, चलो मन वृंदावन की ओ।
कृष्ण नाम से भो वृंदावन कृष्ण नाम से भो कृष्ण नाम से भो वृंदावन की ओ चलो मन वृंदावन की ओ चलो मन गोपी माँ का प्रवेश हुआ वृंदावन में, लेकिन एक ललक लेकर आई, एक प्यास लेकर आई। और प्यास क्या? सुना है कि इसी वृंदावन की कुंजों में श्री मधुसूदन नंदनंदन वेणु वादन करते करते गैया चान करते करते बिहार करते हैं, कभी दिख जाएंगे, एक अभिलाषा। और फिर धाम का प्रवेश हुआ, ब्रज रज का आश्रय मिला, लता पता का आश्रय मिला गोपी माँ को। और फिर कभी राधा वल्लभ जी महाराज का दर्शन करना, गोपीनाथ बाजार के अंदर एक चार आने के ऊपर, उस समय बहुत सस्ता समय था महाराज, एक कोठरी किराए पर ली, अकेली एक छोटी सी कोठरी, उसमें गोपी माँ रहने लगी। और नित्य प्रति सुबह सुबह उठना, मंगला का दर्शन करना, फिर राधा वल्लभ जी महाराज का दर्शन करना, फिर बिहारी जी का दर्शन करना, कभी कहाँ, फिर इन्हीं कुंजों में बिहार करते करते कभी निधिवन राज का दर्शन, कभी सेवा कुंज का दर्शन, दिन भर ये क्रिया। लेकिन जब जाती तो मन में एक प्यास, प्यास क्या? कृष्ण दर्शन लालसा की। ध्यान दीजिए, भजन का अर्थ क्या है? भजन केवल ये नहीं कि आप इकट्ठे बैठकर कुछ गा रहे हैं, भजन माने वो प्रत्येक साधन, वो प्रत्येक क्रिया जिसके करने से आपके मन में कृष्ण दर्शन लालसा का भाव प्रकट हो जाए। आप जप कर रहे हैं, लेकिन जप के पीछे उद्देश्य क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, या यूं कहें कृष्ण के प्रेम की लालसा।
वो एक लालसा लेकर आप बैठे, भले तप कर रहे हैं, भले यज्ञ कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, आप कुछ गुनगुना रहे हैं, लेकिन जिस भी साधन के द्वारा आपके चित्त के अंदर कृष्ण दर्शन लालसा की भावना दृढ़ हो रही है, समझना वो आपका भजन है। जहां जहां वो लालसा अखंड हो रही है, बस फिर कोई और चाहना नहीं, केवल कृष्ण दर्शन लालसा की चाहना। आज गोपी माँ चलती है इन्हीं इन्हीं कुंजों में विहार करती, क्यों? किस लिए? क्योंकि भीतर में भाव क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा का, मेरा गोविंद कहीं मिलेगा, मेरा बिहारी मुझे दर्शन देगा। फिर कभी राधा वल्लभ जी महाराज के सामने जाकर खड़े रहे, राधा वल्लभ जी को देख रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप बिहारी, कई बार होता है ना, बिहारी जी का दर्शन कोई कर रहा है, राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहा है, और दर्शन करते करते सोच रहा है, बोले महाराज कब दर्शन होगा, बड़ा दुख होता है कई बार ये सुन के। फिर जो हो रहा है वो क्या है? वो सामने प्रतिभा नहीं है महाराज, ध्यान रखिएगा, वो साक्षात है, वो साक्षात रूप में आपको दर्शन ही दे रहे हैं। थोड़ा भीतर का पट खोलिएगा, अंदर की नजर से निहारना, फिर वो अलौकिक छवि आपके सामने प्रतिष्ठित हो जाएगी। गोपी माँ के चित्त की अभिलाषा, फिर भी कभी कभी विचार करती थी, वो सन्मुख आए, जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो कृष्ण सन्मुख आए, नंदन बात करे, कुछ आकर मन की सुने, कुछ सुनावे, ऐसा भाव गोपी माँ के चित्त में था। और 6 महीने बीत गए महाराज, और समय बीतने लगा, छटपटाने लगी, मन में आया करता था अयोध्या छोड़कर आई, सब कुछ छोड़ा किस लिए? कि वृंदावन जाऊंगी और साक्षात मेरे सामने श्री कृष्ण आ जाएंगे, मुझसे बात करेंगे। लेकिन इतना समय बीत गया महाराज, अभी तक प्रभु नहीं आए, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। और एक दिन मैया को ज्वर आ गया, बुखार हुआ, इतना तेज बुखार हुआ, संभला नहीं जा रहा मैया से, उठा भी नहीं जा रहा, कोठरी में पड़ी अकेली, को पूछने वाला भी नहीं, कोई भोजन पानी देने वाला नहीं। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और गोपी माँ भूखी प्यासी ज्वर से पीड़ित अपने कक्ष के अंदर पड़ी हुई है, एक अन्न जल की बूंद भी भीतर नहीं गई महाराज। ऐसी स्थिति गोपी माँ की, और इतनी दयनीय स्थिति होगी, करबड़ भी बदलने मुश्किल लगे, और रोए जा रही है, रोए जा रही है, और रोते रोते अंदर से कहती अपने मन की व्यथा को, हे श्याम सुंदर, आई थी बहुत सुनकर आपकी करुणा के बारे में, आपके लिए सब छोड़कर आई थी, आपके लिए मैंने अयोध्या छोड़ दी, आपके लिए मैंने सरयू का तट छोड़ दिया, हे कृष्णा आपके लिए मैंने अपने जीवन की भावनाओं को एक तरफ रख दिया, और यहां तक कि आपके लिए अपने रघुनाथ को भी छोड़कर आई वृंदावन में एक अभिलाषा लेकर। सुना था किसी संत के माध्यम से, मैंने शब्द पढ़े थे मेरे कर्ण रंध्रों के अंदर में, जब संत ने कहा था वृंदावन के उस निकुंजों में वो निकुंज बिहारी को श्री श्याम सुंदर, वो मधुसूदन, वो नंदनंदन वेणु को जाते कि दिख जाएगा, बड़ा करुणा एन है, वो सामने आ जाते हैं महाराज। एक प्यास लेकर मैं आपके वृंदावन में आई, एक अभिपसा लेकर मैं वृंदावन में प्रवेश किया, क्या कुछ नहीं किया मैंने। आज उलाहना दे रही है गोपी माँ, क्योंकि पीड़ित थी, तन में ज्वर था, मन में भी पीड़ा थी, मन में एक ही कसक थी श्री श्याम सुंदर के दर्शन करने की चाहना, जो पूरी नहीं हो रही थी, कहीं सामने नहीं आ रहे थे। एक ऐसी ललक, एक ऐसी कसक गोपी माँ के चित्त को बार बार घेर रही थी, दुखी हो रही थी, और सांझ का वक्त था, और रोए जा रही है, उलाहना दे रही है नंदनंदन को, हे गोविंद बहुत सुना था आपके चर्चे, बड़े करुणायन है, लेकिन आप निष्ठुर हैं, निर्मोही हैं, क्या आपको दया नहीं आती? आपके भरोसे यहाँ आकर आकर बैठी थी महाराज, और इतना समय बीत गया, एक बार भी मन नहीं हुआ कि जाऊं और गोपी माँ को देख कर आऊं। और कहती 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 उलाहना देती देती गोपी माँ के नेत्र भरे हुए और नींद आ गई, आंखें बंद हुई, एक गहरी नींद के अंदर गोपी माँ का प्रवेश हुआ, और कहते फिर स्वप्न हुआ, और सपन में क्या देखा कि साक्षात वृंदावन बिहारी सन्मुख आ गए, और वृंदावन बिहारी स्वप्न में देख रही है श्री कृष्ण आए। और जैसे नंदनंदन आए महाराज, छोटी सी कुटिया प्रकाश से भर गई, एक अलौकिक तेज पुंज से कुटिया प्रकाशित हो गई, गोपी माँ को उठाया, हे गोपी माँ उठिए, और उठी गोपी माँ, देख रही है श्री श्याम सुंदर को, निहार रही है, और जैसे निहोड़ा किया श्री कृष्ण का, द्रवित हो गया मन, क्या रूप लवण्य, क्या स्वरूप श्री ठाकुर जी का, पैताम्बरी ओढ़कर प्रभु आए हैं,
और देख रहे अंगराग लगा हुआ, गले में पांच प्रकार के पुष्पों की वनमाला धारण की वो है, नैनन में काजल, क्या मधुर नेत्रों से करुणा बरस रही है, अधर पर हास्य है, मयूर पीछे लगी हुई है, क्या अलौकिक भाव, गोपी माँ देख रही श्याम सुंदर को। और प्रभु कहते गोपी माँ मैं तुमसे बिलग नहीं हूं, जिस कदर तुम मुझे देखती हो मैं तुझे देखा करता हूँ, जैसे एक भक्त मेरा दर्शन करता है मैं भी अपने भक्त को ढूंढता हूँ, मैं भी अपने भक्त का दर्शन करता हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। अपने हाथों से उठाया गोपी माँ को और श्याम सुंदर के एक हाथ में दूध का कसोरा है और एक हाथ में मलाई की कटोरी है, और प्रभु ने उठाकर अपने हाथों से वो दूध का कसोरा गोपी माँ के मुख को लगाया, गोपी माँ को पिलाया और मलाई अपनी उंगलियों से गोपी माँ को चटाई, और फिर बड़े प्रेम से गोपी माँ को कहा माँ चिंता मत किया करियो, मैं तेरे अंग संग हूँ, और इतना कहकर श्री श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। बोल वृंदावन बिहारी, छटपटाकर गोपी माँ नेत्र खोले और जैसे छटपटाकर उठी तो लगा स्वप्न था, कितना सुंदर स्वप्न, श्याम सुंदर आए थे, लेकिन जैसे नजर उठाकर पास में देखा तो दूध का कसोरा भी पड़ा था और मलाई की कटोरी भी पड़ी थी, समझ गई स्वप्न नहीं था, साक्षात मेरा वृंदावन बिहारी आया था। और वृंदावन बिहारी प्रभु सदा अंग संग है, बस गोपी माँ की अभिपसा भीतर की तृप्ति हुई, श्याम सुंदर का दर्शन गोपी माँ ने किया, साक्षात नंद नंदन सन्मुख आए वो अलौकिक तेज पुंज, वो करुणा इन नेत्र गोपी माँ के सजल हो गए, महाराज आज क्या नहीं प्राप्त कर लिया। सदा भक्तों के अंग संग गोविंद रहते सदा, इसलिए जब मन में भाव हो महाराज वो मेरा है, जन्म जन्म का संबंध है महाराज, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे प्रियतम।